J'ai l'habitude avec la viande. 100 grammes de porc d'Iran, s'il vous plaît. Désolé. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और स्लैशर हॉरर मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है सम लाइक इट रेड। तो हर किसी के खाने का स्वाद अलग अलग होता है। किसी को मांस मच्छी पसंद होता है तो कोई मांस मच्छी के आसपास भी नहीं जाता, खाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लोगों के स्वाद का फायदा उठाकर किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो आज की कहानी में हम यही देखेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉरलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की शुरुआत होती है दो कपल विंसेंट और सोफी से। वो दोनों मिलकर एक मीट की शॉप चलाते थे, लेकिन उनके शॉप पर अच्छी इनकम नहीं हुआ करती थी और ऊपर से वेगन प्रोटेस्टर जो कि मांस नहीं खाते हैं उनको परेशान किया करते थे। कभी कभी तो उनकी शॉप में वो आकर तोड़फोड़ भी करते थे और विंसेंट अकेले उनसे लड़ भी नहीं पाता था। सोफी और विंसेंट का रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा था और विंसेंट सोफी को इम्पोर्टेंस भी नहीं देता था। सोफी की फ्रेंड स्टेफनी का हस्बैंड मार्क एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और उसने मीट के बिजनेस से ही काफी पैसे कमा लिए थे और उनकी तरक्की देखकर विंसेंट और सोफी बहुत जिलस होते थे। फिर एक दिन मार्क विंसेंट को एक गन देता है ताकि वो उस गन से उन वेगन प्रोटेस्टर को डरा पाए। विंसेंट और सोफी जब घर पर वापस आते हैं तो उनको वही लड़का दिखता है जो कि एक वेगन प्रोटेस्टर था और उसने विंसेंट की दुकान पर तोड़फोड़ कर दी थी। वो गुस्से में उस लड़के को कार से टक्कर मार देता है और कार से निकलकर वो देखता है कि वो लड़का मारा जा चुका है। विंसेंट पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन सोफी उसे रोक देती है क्योंकि उनकी कार में एक गन थी। तो शक उन्हीं पर जाता कि उन्होंने जानबूझकर उस लड़के का मर्डर किया है। अब सोफी उस डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगह पर फेंकना चाहती थी और दोनों उस डेड बॉडी को कार में डालकर अपने साथ में ले आते हैं। अपनी शॉप में विंसेंट बहुत कोशिश करता है कि वो डेड बॉडी को काट पाए, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक डेड बॉडी को काट दे और गलती से डेड बॉडी के एक कान का टुकड़ा विंसेंट का डॉग खा लेता है और इसीलिए विंसेंट उसके डॉगी को उस डेड बॉडी का दूसरा कान भी खाने को देता है। अब अगले दिन विंसेंट को पता लगता है कि उनकी शॉप से उस दिन एक भी मीट का टुकड़ा नहीं बिका था और तभी वहां पर कॉइन गार्ड आती है जो कि उनसे वही मीट मांगती है जो कि सोफी ने उसे सुबह दिया था क्योंकि उस मीट के टुकड़े का टेस्ट बहुत अच्छा था और असल में वो मीट उस डेड बॉडी का था। विंसेंट कॉइन गार्ड को वो मीट नहीं देना चाहता था, लेकिन सोफी के जोर देने पर उसे वो मीट कॉइन गार्ड को देना पड़ता है। उस मीट का टेस्ट सोफी को भी बहुत पसंद आता है और उसके बाद में एक और कस्टमर उनसे उसी ह्यूमन मीट को खरीदने के लिए आता है। यहाँ तक कि एक पुलिस वाला गेंडर में भी वो मीट खरीदने आता है। किसी को भी ये नहीं पता था कि स्वाद के चक्कर में वे लोग कैनिबल यानी कि इंसान का मीट खाने वाले बन गए हैं और तेजी से उनकी शॉप की इनकम भी अब बढ़ने लगी थी। रात को विंसेंट खुद भी ह्यूमन का मीट बनाकर खाता है और उसे उसका टेस्ट अब बहुत अच्छा लगने लगा था। सोफी के अनुसार अगर वे लोग मीट का प्राइस बढ़ा भी देंगे तो इसके स्वाद की वजह से लोग उसे इससे खरीद लेंगे और इसके लिए उनको वेगन्स को मारकर उनका मीट बेचना होगा, लेकिन विंसेंट ये सब नहीं करना चाहता था। और अगले दिन उनके घर पे उनकी बेटी कोल और उसका बॉयफ्रेंड लुकास आता है। लुकास एक वेगन था और उसकी बातों से इम्प्रेस होकर कोल भी अब वेगन बन चुकी थी। फिर उसी दिन विंसेंट और सोफी एक वेगन रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि वहाँ के किसी वेगन को वे लोग अपने मीट के लिए मार पाए। वेगन रेस्टोरेंट के ओनर को देखकर वे लोग उसे मारने का प्लान बनाते हैं और विंसेंट उसके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता है और इसीलिए वो कार में आकर बैठ जाता है। अब अगले दिन दोनों एक एक वेगन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं और उसी प्रोटेस्ट में उन दोनों की मुलाकात जोशुआ से होती है जो कि उनके प्रोटेस्ट को देखकर उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन सोफी और विंसेंट तो यहाँ पर अपने मीट के लिए अच्छे वेगन ह्यूमन को देखने के लिए आए थे। वे दोनों जोशुआ को ही मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जोशुआ अपने दो फ्रेंड अमारा और मीरा के साथ में आता है जिसकी वजह से वे दोनों जोशुआ को मार नहीं पाते हैं और ऊपर से वेगन होने का नाटक करने की वजह से उनको जोशुआ के साथ में मिलकर दूसरी मीट शॉप को तोड़ना पड़ता है और मीट शॉप और किसी की नहीं बल्कि मार्क की थी। अब हम देखते हैं कि रात के समय वे लोग खाना खाने जाते हैं, लेकिन होटल में ही उनका झगड़ा हो जाता है और विंसेंट अकेले घर पर चला जाता है। उसी होटल का ओनर सोफी से फ्लर्ट करने लगता है। सोफी को पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट का ओनर एक वेगन है तो वो भी उसके साथ में फ्लर्ट करके उसे अपने घर पर लेकर आती है। विंसेंट को उसकी इस बात पर गुस्सा आता है, लेकिन सोफी उसे समझाती है कि वो उस ओनर को मीट के लिए मारने के लिए लाई है। वही ओनर विंसेंट से उसकी वाइफ के बारे में गलत गलत बातें बोल रहा था और विंसेंट गुस्सा होकर उसे जान से मार डालता है। अब विंसेंट और सोफी मिलकर उस ओनर के टुकड़े टुकड़े करके उसके मीट को बेचने लगते हैं और उनकी शॉप को अब धीरे धीरे फायदा हो रहा था।
तो इसीलिए वे दोनों फिर से किसी और वेगन इंसान को मारने का सोचते हैं। दोनों फिर रात को एक वेगन बॉय विनी को मारने का भी सोचते हैं, लेकिन विनी को उनके इरादों के बारे में पता चल जाता है और इसीलिए वो जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन ज्यादा तेज भागने की वजह से और डर की वजह से विनी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। फिर अगले दिन विंसेंट और सोफी स्टेफनी और मार्क से मिलने जाते हैं और उनके बिजनेस के सक्सेस को लेकर उनसे बहुत बातें करते हैं। मार्क उनसे ये भी पूछता है कि वे लोग उनका ये फेमस मीट कहाँ से लाते हैं, लेकिन विंसेंट उससे कुछ नहीं कहता है और बातों ही बातों में दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि विंसेंट मार्क का कान भी काट लेता है और ये देखकर तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब अगले दिन सोफी और विंसेंट एक वेगन पार्टी में जाते हैं और वहीं पर उनको लुकास और उनकी बेटी कोल मिलती है। विंसेंट और सोफी एक मीट शॉप चलाते थे, लेकिन फिर भी वो इस वेगन पार्टी में हिस्सा ले रहे थे और ये देखकर लुकास उन दोनों को बहुत बुरा भला कहता है। वे दोनों पार्टी से निकलते हैं और बाहर उनको एक वेगन गर्ल दिखती है। वो दोनों लड़की का पीछा करते हैं और उसे मार डालते हैं। और रात को जब विंसेंट उसी लड़की को काट रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर गार्नेट उसी मीट को खरीदने के लिए आता है। वो अंदर घुसकर उनकी दुकान को देखना चाहता था, लेकिन विंसेंट उसे बहाना बनाकर वहाँ से भगा देता है। पुलिस को देखकर विंसेंट बहुत ज्यादा डर चुका था और अब वो ये सब काम छोड़ना चाहता था, लेकिन सोफी मीट से इतना ज्यादा पैसा आता देखकर ये बिजनेस नहीं रोकना चाहती थी। और तभी उनके घर पर लुकास आता है। लुकास उन दोनों से उस पार्टी में किए गए बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और सोफी इशारों में विंसेंट को कहती है कि उनको लुकास को मार देना चाहिए, लेकिन विंसेंट इस बात से डरकर फौरन लुकास को वहाँ से भगा देता है। अब अगले दिन भी उनकी शॉप पर कस्टमर की भीड़ थी, लेकिन विंसेंट किसी को भी मीट नहीं बेचता है और सबको वो वापस भेज देता है और वो अपने डॉग को लेकर घुमाने चला जाता है। इधर शॉप में सोफी के पास में जोशुआ, मीरा और अमर आते हैं और जब उनको पता चलता है कि सोफी की मीट शॉप है, तो ये जानकर वो उस पर अटैक कर देते हैं। सीन कट होता है और रात को वापस आकर विंसेंट शॉप को बंद देखता है और उसके पास से जोशुआ की कार को देखता है। फिर इस तरफ जोशुआ का पूरा ग्रुप सोफी को धमकी देकर ये पूछ रहा था कि गायब हुए वेगन लोगों के साथ में उन्होंने क्या किया है। मीरा सोफी को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है और उसका डॉग मीरा पर अटैक कर देता है। लड़ाई के बीच में विंसेंट मार्क के ऊपर स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देता है और सोफी भी अपने आप को आजाद करके एक मीट के हुक से उस पर अटैक कर देती है। फिर वहाँ पर पुलिस आकर विंसेंट और सोफी को पकड़ लेती है और उन दोनों को इन सब मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा दी जाती है। उन दोनों के खिलाफ गवाही देने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए स्टेफनी और मार्क उनके खिलाफ गवाही देते हैं। विंसेंट ने जिस तरह से मार्क का कान काटकर खाया था, उसी टाइम से उसे विंसेंट पर शक हो चुका था, जिस वजह से मार्क ने विंसेंट पर नजर रखना चालू कर दी और उसको विंसेंट की इन सब करतूत के बारे में पता चला। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, विंसेंट और सोफी का एक मीट शॉप था जो कि बिल्कुल भी नहीं चलता था। ऊपर से उनको वेगन लोग बहुत परेशान करते थे। फिर एक दिन उनसे गलती से एक वेगन लड़के का मर्डर हो जाता है और लाश को छुपाने के चक्कर में उन लोगों ने उसका मीट कस्टमर को बेच दिया था और लकीली उस मीट से उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ था, जिस वजह से वे लोग एक के बाद एक वेगन को मारकर उनका मीट बेचने लगे थे, क्योंकि सिर्फ वेगन लोगों के मीट में ही इतना ज्यादा कमाल का स्वाद होता था। वे दोनों अपने बिजनेस के फायदे के लिए एक कैनिबल किलर बन गए थे, जिसके बारे में उनको भी नहीं पता था। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ।